दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों मोदी गवर्नमेंट 3.0 का पहला बजट सत्र 23 जुलाई 2024 से स्टार्ट होने वाला है और जिसमें पूरी संभावना जताई जा रही है कि IDBI बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर FM निर्मला सीतारमण कोई नया ऐलान कर सकती हैं, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक RBI ने इसके बिडर्स को फिट एंड प्रॉपर का सर्टिफिकेट दे दिया है। बिडर्स मतलब जो बोली लगाते हैं, यानी कि जो भी लोग इसको IDBI बैंक के शेयर को खरीदना चाहते हैं, खरीदारी के इच्छुक लोग, ठीक। तो बिडर्स मतलब हो गया बोली लगाने वाले लोग, और फिट एंड प्रॉपर एक प्रक्रिया होती है, एक सर्टिफिकेट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो लोग भी बोली लगा रहे हैं, RBI के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो RBI ये तय करती है कि वो बिडर्स जो हैं, वो यानी कि बोली लगाने वाले लोग, उसका उन रूल्स एंड रेगुलेशन का सही तरीके से पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो फाइनली अभी 18 तारीख की ये न्यूज आई है, इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है, आप लोग इसको जाकर पूरा प्रॉपर रीड कर सकते हो। उसके मुताबिक अभी RBI ने इसको फिट एंड प्रॉपर का सर्टिफिकेट दे दिया है, जिसके बाद ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि इसके प्राइवेटाइजेशन को लेकर कोई नया ऐलान इसके बजट सत्र में हो सकता है और यह लगभग कंप्लीट होने ही वाला है बजट के बाद। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आखिर यह प्राइवेटाइजेशन के बाद इसके कस्टमर्स पे, इसके एम्प्लॉयज पे क्या असर पड़ने वाला है। उसके पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LIC का कितना इसमें शेयर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LIC का जो IDBI बैंक में शेयर है कुल मिलाकर 94.772% है, जिसमें LIC का शेयर है 49.4%। इसके अति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है 45.4% है। इसके अति जो रेस्ट यानी कि अब बाकी बच रहा है 5.28% वो पब्लिक शेयर होल्डर्स के हैं, ठीक है, जिसमें कि 60.7% यानी कि 60.7% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये विचार कर रही है कि ये जो शेयर है उनको बेचने के लिए, जिसमें कि भी 30.5 यानी कि 30.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना बेचने का विचार कर रही है। इसके साथ ही 30.2% LIC का शेयर बेचने का विचार कर रही है, मतलब कि कुल मिलाकर 60.7% जो शेयर है वो बेच रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करीब 29,000 करोड़ रुपए मिलने की पूरी उम्मीद है। तो अगर आप लोग IDBI बैंक के कस्टमर होंगे, आपका अकाउंट होगा, आपका FD वगैरह होगा, या फिर जो कुछ भी आपका रिलेशन होगा IDBI बैंक के साथ एज ए कस्टमर, तो आप लोग के मन में ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि क्या आखिर कुछ चेंजेस होंगे। तो देखिए, कोई चेंजेस इस तरह के कोई बड़े चेंजेस तो नहीं होने वाले हैं फिलहाल के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भी आ रहा हो ना कि जब अमलगमेशन हुआ था, यानी कि जब मर्जर प्रक्रिया हुई थी कुछ बैंकों का, तो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस, बड़े चेंजेस हुए थे। तो देखिए, मर्जर एक अलग प्रक्रिया है और ये प्राइवेटाइजेशन एक अलग प्रक्रिया है। मर्जर में एक बैंक दूसरे बैंक में मर्ज हुआ था, तो जिससे उनका IFSC कोड, ब्रांच नेम, ब्रांच कोड इत्यादि जो चेंजेस, बड़े चेंजेस हुए थे, लेकिन यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो बस एक तरीके से आप कह सकते हो जो स्वामित्व है ना वो चेंज हो रहा है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, तो वहाँ पे कुछ बड़े चेंजेस नहीं होंगे, जैसे कि IFSC कोड, ब्रांच नेम, ब्रांच कोड जैसे बड़े चेंजेस नहीं होंगे, ना ही आपके अकाउंट्स इसके आते FD के संबंधित नियमों वगैरह में कोई चेंजेस, या फिर बैंकिंग का जो रूल्स है IDBI बैंक का, अभी जो रूल्स वगैरह चल रहे हैं उसमें कोई बड़े चेंजेस नहीं किए जाएंगे, ठीक। जैसे अभी आपका चल रहा है अकाउंट वगैरह, चाहे सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, या फिर आपका FD हो, या फिर कोई अदर रिलेशन हो आपका IDBI बैंक के साथ, वो वैसे ही चलते रहेंगे। बात अगर की जाए इसके एम्प्लॉयज़ की, तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अभी अमल यानी कि ये प्राइवेटाइजेशन के बाद देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, ठीक। लेकिन अब फाइनल बात पता चलेगी 23 जुलाई को, तो जैसे ही बजट आता है वैसे ही अगर कोई घोषणा होती है इससे, इसके प्राइवेटाइजेशन को लेकर, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर, तो तुरंत के तुरंत फिर से मैं वीडियो बना के आप लोग को जरूर बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना सा ही। अगर आप लोग को भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग एटलीस्ट एक लाइक, जिनका भी IDBI बैंक में अकाउंट वगैरह है वो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ शेयर
कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगर आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो को आप लोग एटलीस्ट एक लाइक अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर जरूर कर देना। इसके साथ ही आपकी जो भी राय है IDBI बैंक या प्राइवेटाइजेशन को लेकर, चाहे आप कस्टमर हो या फिर कस्टमर ना भी हो, आप लोग अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करना। इसके साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।